आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। एमएलए हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी विधायक प्रमोद विज की गाड़ी के अग्निकांड के बाद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता एक्शन मोड में दिखाई दिए। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए चेतावनी दी कि अगर एमएलए हॉस्टल परिसर में स्टाफ या किसी अन्य सदस्य द्वारा शराब इत्यादि का सेवन किया तो उन्हें भविष्य में कमरा नहीं दिया जाएगा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की बैठक लेकर नए नियमों को लागू करवाने के कड़े निर्देश दिए। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। बीते दिनों एमएलए हॉस्टल की पार्किंग में अग्निकांड के बाद विधानसभा स्पीकर ने कड़ा संज्ञान लिया है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चेतावनी दी है कि किसी भी स्टाफ या अन्य व्यक्ति ने एमएलए हॉस्टल परिसर में शराब इत्यादि का सेवन किया तो उसे भविष्य में यहां कमरा नहीं दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सभी विधायकों को इस बारे में पत्र भी लिखा जा रहा है। पत्र में विधायकों से अपील की जा रही है कि वह अपने स्टाफ का विशेष ध्यान रखें और कोई भी ऐसा काम न होने दें कि जिससे दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। वहीं उन्होंने एमएलए हॉस्टल में आने वाले विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमएलए हॉस्टल के दोनों रास्तों से प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन का ब्यौरा रखा जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हॉस्टल में एंट्री करने वालों की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर भी स्थापित किए जाएंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों एमएलए हॉस्टल की पार्किंग में खड़ी पानीपत शहरी विधानसभा सीट से विधायक प्रमोद विज की गाड़ी में एक युवक द्वारा आग लगा दी गई थी, जिससे विधायक की गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।